نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي وأن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن أجت أبو أمامة رضي الله تعالى عنه سر रसोल्ला ने फरमाया फरमायाबिद पर आलिम की फजीलत ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे एक अदना आदमी पर फिर रसोल ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला उसके फरिश्ते और आसमान जमीन के अहल यानी रहने वाले मखलूक हती के चूंटी अपने बिल में और मछली तक यानी पानी के अंदर लोगों को भलाई सिखलाने वालों के लिए रहमत की दुआ करती हैं वो अन अबी उमामाता रज अल्लाह हजरत अबू उमामा रज अल्लाह से रिवायत है अन्ना ने फरमाया फलिबिदी आलिम की फजीलत आबिद पर कफ़दली इसी तरह है जैसे मेरी फजीलत अला अदना तुम में से एक अदना आदमी पर हो यानी एक मामूली मुसलमान पर तुम मकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनल्लाहा व मलाइकातुहु बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते व अहले समावात वल और आसमानों और जमीन के रहने वाले हत्ता नमलत फी जुहरिहा यहां तक के चूंटी अपने बिल में वहाड़ूता और यहां तक के मछली लयुसल्लू न रहमत करती है अलासी लोगों को तालीम देने वाले के लिए अलख भलाई की रवाहु तिरमिजी इसे तिरमिजी ने रिवायत किया वकाला और कहा हदीस उन हसन हसन हदीस है एक दुआ वो है जो आप अपने लिए करते हैं एक वो है जो अहले ईमान आपके लिए करते हैं और एक वो जो सिर्फ इंसान नहीं आसमान और जमीन की सारी मखलूक और उस मखलूक में फिर एक समुंदर की मखलूक और एक खुशकी की मखलूक का जिक्र किया गया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वेल नोन है यानी चूंटी भी तकरीबन दुनिया के हर इलाके में पाई जाती है और मछली के नाम से भी सब वाकिफ हैं आम जानवरों की मिसाल देकर बात की गई कि ये भी दुआएं करते हैं ये दुआएं किसके लिए होती हैं दूसरों को भली बात सिखाने वाले के लिए यहां भी आप देखिए कि इल्म सीखने और सिखाने की फजीलत ही का बयान है बुनियादी तौर पर हदीस के शुरू में दो लोगों का जिक्र है एक दिन रात इबादत करता रहता है दिन को रोजा रखता है रात को क्याम करता है और दूसरा सीखने सिखने में लगा रहता है यानी उसके फरायज और इबादात की अदायगी अपनी जगह है लेकिन उसकी प्रायोरिटी क्या है सीखना और सिखाना। तो उस पर आप सल्लाह वसल्लम ने ऐसे शख्स को जो इल्म के साथ ताल्लुक रखे महज इबादत करने वाले के मुकाबले में इस तरह तरजीह दी जैसे आपकी तरजीह आपकी फजीलत एक आम मुसलमान पर हो एक आम इंसान के मुकाबले पर हो फर्क को वाजे करने के लिए कंपेरिजन किया गया लेकिन याद रखिये कि यहाँ आलिम से मुराद वो आलिम है जो लोगों को खैर की बातें सिखाता है यहाँ हर आलिम मुराद नहीं है वो आलिम जो लोगों को भलाई की तालीम भी फिर आगे देता हो और उसके साथ साथ फराइज की पाबंदी भी करता हो अब इसकी वजह क्या है कि उसको फजीलत हासिल है इबादत गुजार पर क्योंकि इबादत गुजार तो सिर्फ अपने फायदे की बात करता ना सिर्फ अपना भला करता है नवाफिल से या तस्बीहात से या जिक्र से जबकि आलिम जो है और ऐसा आलिम जो दूसरों को खैर भलाई सिखाने वाला हो वो औरों की भी भलाई करता है उसका फैज़ सिर्फ उसकी अपनी जत तक नहीं वो सिर्फ अपनी जन्नत कमाने की फिक्र में नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फिक्रमंद है उसके दिल में औरों का गम और तड़प भी है चूंकि उसके दिल में दूसरों के लिए रहमत है दूसरों के लिए हमदर्दी है वो उनके लिए तड़पता है वो उनके गम में भाग रहा है तो अल्लाह ताला ने सिले के तौर पर सारी मखलूक को उसका गम दे दिया है वो औरों की फिक्र कर रहा है मछलियां और चींटियां उसकी फिक्र कर रही हैं, वो उसके लिए दुआएं कर रही है, है। यानी खैर बांटने वाले के लिए खुद कितनी खैर है उसके लिए कितनी खैराम है सीखे बगैर सिखाना मुश्किल है और याद रखिए कि ये अजर कमाना और ये इस मकाम पे पहुंचना को आसान नहीं है याद रखिए कि जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं क्या वो माँ के पेट से ये सब कुछ लेके पैदा हुए थे नहीं उन्होंने सीखा है तो तभी सिखाने के काबिल हुए किताबें लिखी उन्होंने इसी तरह आप भी सीखेंगे तो आ जाएगा आपको भी सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है और ये हमेशा याद रखिए कि इल्म का रास्ता कांटों भरा रास्ता मैंने डे वन पे आपको कहा था ये मुशक्कतों का रास्ता है इस मकाम तक पहुंचना जो है आसान नहीं है लेकिन फिर उसके बाद इंसान के ऊपर अपने लिए और दूसरों के लिए खैर भलाई के वो दरवाजे खुलते हैं जो इसके बगैर खुल नहीं सकते इन्ना मालूस रूसरा कल तक आपको कुरान पाक का भी तो नहीं समझ आता था कुछ कुछ पता नहीं था उसमें क्या है लेकिन उसमें मेहनत किया आपने और आपको आ गया आप याद रखिये कि ये भी दरअसल कुरान पाक ही को मजीद समझने के लिए गौरव फिक्र करने के लिए और फिर आज के दौर में जो तरह तरह के फितने हैं इन फितनों से मुराद ये कि अगर आप सिर्फ एक जाहरी जाहरी चीज को जानते हैं और कुछ बुनियादों का इल्म आपके पास नहीं है तो हो सकता है दूसरे लोग आसानी से आपको भटका दें तो अहले इल्म की फजीलत इतना अल्लाह ने उनको रिवार्ड दुनिया में दिया है देखिये हम एक को कहते रहते हैं मेरे लिए दुआ करो मेरे लिए दुआ करो अब लग जाए लोगों की भलाई करने हर एक आपके लिए दुआ करेगा सिखाए किसी को इसको बतौर सदका भी इस्तेमाल किया करें क्योंकि इल्म देना सदका है अगर माल नहीं है जेब में सिखा दीजिए किसी को कुछ तो हर चीज से मानूस, हर मानूस हो जाता है हर नई चीज मुश्किल होती है पर मानूस हो जाते हैं आप करते करते आप कहेंगे ये कोई बात है तो कुछ भी नहीं था इस मकाम तक पहुंचने की कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना क्योंकि अगर आप उसके बगैर सिखाने बैठ जाते हैं तो खतरनाक काम भी हो सकता है ना और खैर बांटने की बजाय आप जालत और कन्फ्यूजन बांट रहे हैं तो उसका नुकसान क्या होगा लोग और दीन से भागेंगे अगली हदीस भी थोड़ी इससे मिलती जुलती इसको भी पढ़ लेते हैं वो अन अब दर्दा अल्लाह अन हुकाल سمعت رسول الله, صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بما, بِمَا يَصْنَعُ وإن العالم لا له من في السماوات وإن العالم لا له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وإن الأنبياء, لم يورثوا دينارا ولا درهما وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم, وإنما ورثوا العلم فمن, أخذه فمن أخذه؟ أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي चलिए अब तर्जुमा देख लेते हैं वह अन अब दरदा रजिय हजरत अबू दरदा रजियाल्लाहु से रिवायत है काला कहते हैं समय तो रसूल सल सल्हस मैंने रसूल रसुल्लाम लाह से सुना यकूल आप फरमा रहे थे मनसला का तरीकन जो कोई चला एक रास्ते पर अब तगीफी ही इल्मन तलाश करता है या चाहता है उस रास्ते में इल्म को यानी उस पर चलकर इल्म हासिल करने के लिए जा रहा है तो उसका फायदा क्या होगा सहल तरीकन अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा जन्नत का रास्ता कैसा है कांटों भरा है ना बहुत मुश्किल रास्ता है आसान नहीं है जन्नत तक पहुंचना आसान नहीं है मुश्किल रास्ता है और इस रास्ते में आसानी किससे होती है इल्म हासिल करने से तो जो इल्म के लिए निकल पड़ता है चल पड़ता है और यहां पर निकलने की बात है घर बैठ के इल्म नहीं हासिल होता उसके लिए से, तालिबे इल्मों से किताबों से मजलिसों से ताल्लुक जरूरी है तो जो शख्स इल्म के रास्ते पर चलेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा वह इन नलमला इकता और बेशक फरिश्ते लतादा अलबत्ता रखते हैं अजनहातहा अपने पर लालब इलमे तालब ला इल्म के लिए रिदन खुश होकर रिजा यानी राजी होकर या खुश होकर बिमा यस उस अमल पर जो वो कर रहा होता है तालब इल्म को देख कर फरिश्ते भी अपने पर झुका देते हैं इतने खुश होते हैं देखकर इंसान तो क्या कंधे झुकाएंगे फरिश्ते अपने पर झुका देते हैं एक माना इसका ये किया जाता है पर बिछा देते हैं यानी फरिश्ते उसके रास्ते में पर बिछाते हैं और एक माना यह है कि जब फरिश्ते इल्म की मजलिस को देखते हैं तो उसके अदब के लिए अपने पर जो उठे हुए होते हैं उनको रख देते हैं अब जरा परिंदे को देखे ना जैसे पर फैलाए हुए हो एक तो यह आता है ना कि मजलिस पे पर फैला देते हैं वो फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं हा? और एक यह है कि रख देते हैं यानी आके ठहर जाते हैं अदब करते हैं ऐसे लोगों का एहतराम करते हैं कंधे झुका देते हैं जैसे वो कुरान पाक में आता है ना वाले के लिए वहफ लुमा जना रह यानी अदब और एहतराम के लिए कंधों को चुकाना वालदे के लिए जैसे आता है तो इसी तरह फरिश्तों का पर रख देना यानी पर बंद करके वो भी बैठ जाते हैं सुनने वो भी शरीक हो जाते हैं वो भी उस मजलिस का अदब करते हैं वो भी ऐसे लोगों के लिए अदब और एहतराम रखते हैं वह इन नलमला इकता लतदा व अजनता लिताबिलब इलम के लिए फरिश्ते अपने पर रख देते हैं रिदम बिमा यो राजी होकर उस काम से जो वो कर रहा होता है वो इन नमा और बेशक आलिम लखलहू अलबत्ता इस्तार करते हैं उसके लिए मन मनफिस समावा मन भी आसमानों और जमीन में होते हैं हत फिल्मा यहां तक के पानी में मछलियां भी उसकी बख्शिश की दुआएं दुआ करतीजीलत आबिद के मुकाबले में पिछली हदीस में तो एक और मिसाल से समझाई गई यहां एक और मिसाल से कफ लिलकमर आला साब जैसे चांद की फजीलत है सारे सितारों पर जैसे चांद चमकता है सारे सितारों के मुकाबले में कवाकिब कौकब से इन नलोलमा वतम्बिया और बेशक उलमा अम्बिया के वारिस होते हैं जैसे बेटा बाप का वारिस बनता है इसी तरह उलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं इन अल अम्बिया अलमयो वीनारो अला दरहमन और अम्बिया ने अपने विरसे में दीनार और दिरहम नहीं छोड़े होते वर रसुल बेशक वो विरसे में इल्म को छोड़ के जाते वह इनमा फमन अखजा तो जिसने उसको हासिल किया इन इल्म को अखजा बेहद तो उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका शरफ व फजल का हासिल कर लिया यानी जिसने इल्म हासिल किया उसने इज्जत और शरफ और एक बुलंद मकाम हासिल कर लिया मैंने इल्म इंसान को बुलंदियों की तरफ ले जाता है अब यहां पर आप देखिए कि हदीस में तालिब इल्म और आलिम दोनों की बात है तालिब इल्म की जजा क्या बताई गई है कि उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान होता है रिश्ते अपने पर रख देते हैं उसके लिए या पर बिछा देते हैं या पर बंद कर देते हैं और फिर आलिम का मर्तबा बताया गया कि जो इल्म हासिल कर लेता है उसके लिए आसमान और जमीन की हर चीज बख्शिश की दुआएं करती यहां तक के पानी में मछलियां भी दुआएं करती और आबिद के मुकाबले में आलिम की फजीलत ऐसे ही है जैसे सितारों के मुकाबले में चांद यानी अगर सैकड़ों लोग इबादत कर रहे हैं बैठ के जिक्र कर रहे हैं तस्वीर पढ़ रहे हैं नफले पढ़ रहे हैं और इसके मुकाबले में एक शख्स लोगों को खैर की बातें सिखा रहा है तो उसकी फजीलत उन सब के मुकाबले में ज्यादा है और क्या उलम की फजीलत है एक फजीलत क्या बताएगी आसमान और जमीन की चीजें हत्या के मछलियां भी दुआएं करती दूसरी क्या यानी उसकी अहमियत बाकी मखलूक के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की सितारों के मुकाबले में और तीसरी बात उलमा अम्बिया के वारिस हैं और अम्बिया विरसे में दिरहम और दीनार नहीं छोड़ते अम्बिया का विरसा इल्म होता है फमन अखजा हु अखजा बेहजन तो जिसने ये रास्ता इख्तियार किया यानी इल्म हासिल किया इस रास्ते पे चला उसने गोया एक बहुत बड़ा सौदा किया उसने इज्जत शरफ अजर इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया अखजा हूह हु की जमीर अल अल-इल्म की तरफ जा रही है ठीक है ताले इल्म के अमल से फरिश्ते इतने इंप्रेस होते हैं रिदम बिमा यस्नौ उसको देख कर राजी हो जाते हैं और उस रजामंदी में क्योंकि फरिश्तों के पास इतना इल्म नहीं है ना आपको पता इंसान को फौकियत किस बिना पर मिली थी तो इंसानों के इल्म हासिल करने का जो मंजर है जो सीन है जो मेहनत है जो कोशिश है ये फरिश्तों को बहुत भली लगती है मुझे तो यूं फीलिंग आती ना रख देते है। मुझे लगता है जैसे मरूब हो गए सहम गए हैं? या एक हसरत से कोई देखता है किसी को या दम बखुद रह गए या दम साध गए या बस यहां आके रुक गए या वो खुश हो रहे हैं जिसे अपना काम करते करते रुक जाना अच्छा ये इल्म की मजलिस है। और आपको वो हदीस भी याद होगी इन मला एक आतन हर तरफ फरिश्ते हैं कुछ घूम फिर रहे होते हैं और उनका काम क्या है सिर्फ इल्म की मजलिस ढूंढना जब एक को कोई मिल जाती है वो सबको इकट्ठा कर लेता है कि इधर आ जाओ वो जिसकी तलाश में तुम फिर सारे एक दूसरे के ऊपर इतने जमा होते हैं कि आसमान तक जमा हो जाते हैं ये कोई मामूली काम है ले सलाम की तखलीक जब हुई तो उस वक्त जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने उनको ये सलाहियत नहीं बख्शी गई ना कि वो इजाफा कर सके हमें तोफीक दी गई हमें नमत दी गई है और इसमें कोई हद नहीं है जितना चाहे इजाफा करते चले जाए ये तो आपके अपने उसमें है ना कि आप कितना वक्त लगाते हैं कितनी एफर्ट रखते हैं कितनी एनर्जी और कितनी सलाहियत और इसमें इस्तेमाल करते हैं कैफियत जो है जाना इसके अंदर बहुत कुछ है जो कहा भी नहीं जा सकता ये सिर्फ फील किया जा सकता है फरिश्तों का ये अमल ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक परिंदा उड़ता 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 आए और जब वो लैंड करे और आके रुक जाए कि यहाँ ये काम हो रहा है तो एक ऑनर देना है ना तालब इलम को कि उसके ऑनर में जैसे वो सलामी देते हैं ना इतने जबरदस्त ताकतवर फौजी होते हैं और यूं साकित होके खड़े हो जाते हैं ना तो फरिश्ते भी आके पर रख के लगता कि जैसे साकित हो गए लेकिन क्या ये हर तालब इलम के लिए होता है क्या फरिश्ते हर तालब इलम के लिए या हर इल्म की मजलिस के लिए ऐसा ही करते हैं या उसके कुछ आदाब भी हैं अब आप पढ़ रहे थे ना कि तालब इलम के अमल को देख कर जब फरिश्ते खुश होते हैं राजी होते हैं तो वो आकर अपने पर रख देते हैं पहले वो एक तलाश में होते हैं और जब तालब इल्म को देखते हैं किसी मजलिस में इकट्ठे होकर पढ़ रहे हैं तो अपने पर रख देते हैं आके फिर उनके साथ शरीक हो जाते हैं सीखने और सिखाने वालों ही के ऊपर ये सब नाजिल होता है और उन्हीं को ये ऑनर दिया गया है लेकिन क्या हर सीखने सिखाने वाले के लिए है ये ह ताल इल्म ताल इल्म भी हो तालिब इल्म तालब इल्म भी हो तालब इल्म का क्या मतलब है इल्म की तलब रखने वाला इल्म का मतलाशी इल्म का चाहने वाला तलबगार जो इल्म के चाहने वाले होते हैं उनके अखलाक क्या होते हैं उनके तरीके क्या होते हैं तालब इल्म किस चीज से पहचाना जाता है एक ताल इल्म का ख्याल आते ही आपके जहन में कौन सी बातें आती हैं? आप किस तरह इमेजिन करते हैं एक तालिब इल्म को आपके जहन में क्या आता है उसका हुलिया किताब हो कलम हो वाकई इल्म सीख रहा हो इधर उधर ना देख रहा हो तलब करने वाला किसी भी चीज को चाहने वाला मसलन एक शिकारी जब शिकार के पीछे होता है तो वो किधर देख रहा होता है अपने टारगेट की तरफ देख रहा होता है वो उसको एम कर रहा होता है उसी की तरफ उसकी पूरी तवज्जो होती है उसे इससे कोई गरज नहीं होती कि दाएं बाएं कितना खूबसूरत जंगल है, वो अपने मकसद में नजर आ रहा होता है। क्या किसी को तालब इलम कह सकते हैं जिसके पास किताब ही ना हो क्या वो तालब इलम शुमार होगा जिसके हाथ में कलम ना हो वो इल्म का चाहने वाला है किताब और कलम के बगैर आप तालब इलम नहीं बन सकते अगर आप वाकई संजीदा हैं सीखने में तो आप एक एक मजलिस की कदर करेंगे और एक एक चीज को गिन के चुन के घर से बैग पैक करके ये सारी नसीहतें किस लिए की जाती हैं कि घर से बैग चेक करके रात को पैक करके फिर निकलें, ताकि भूलें नहीं आप और अगर आप भूलते हैं तो अपने कलम से मदद लें और लिख लें जो जो चीजें आपको लानी मसला मुझे मालूम है मैं भूलने वाली हूं तो मैंने कहीं भी जब जाना होता है तो अपनी लिस्ट बनाई हुई है उस लिस्ट के मुताबिक अपना बैग चेक करती होती हूँ कि ये सब कुछ रख लिया कि नहीं रखा ये हो सकता है कि आपको मालूम ही ना हो कि आज ये क्लास होगी या नहीं होगी ये एक शक की कैफियत हो सकती है लेकिन अगर आप वाकई तालब इलम हैं तो सिर्फ इस सब्जेक्ट की नहीं हर सब्जेक्ट की किताब कलम और साथ संजीदगी आपके साथ होनी चाहिए चाहे आपने एक चीज कितनी भी बार पढ़ी हो या आप जानते भी हों हर दफा एक नई चीज आपके सामने आ सकती है और बाज आप एक सीखी हुई चीज को जब दोबारा सीखते हैं तो उसमें आपकी अपनी बसीरत आपकी अपनी सोच की गहराई ज्यादा बेहतर तौर पे काम करती पहली दफा जब नई चीज आप पढ़ते हैं ना तो उस वक्त तो एक नई चीज होती है बस एक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको मिल रही होती लेकिन जब दूसरी दफा एक चीज पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि अब आपकी अपना इनर सेल्फ या आपकी हिकमत और बसीरत या आपका जो अपनी सोच है वो बीच में शामिल हो जाती तो उस वक्त जरूरी नहीं होता कि आप कलम और कागज का इस्तेमाल सिर्फ जो कोई बोल रहा है उसी के मुताबिक करें वही बातें लिखे फिर जो आपके अपने जहन में आ रहा है उसको भी साथ लिख सकते हैं क्योंकि ना आप तालब इन बन सकते हैं ना आपके काम में संजीदगी आ सकती है और ना ही फिर उस मजलिस का वो लुत्फ हो सकता है क्योंकि अगर एक भी शख्स मजलिस में अटेंटिव ना हो तो उसका असर पूरी मजलिस पे होता है पूरी मजलिस उससे मुतासर होती है क्योंकि बेबरकती हो जाती है ना जैसे एक शख्स अगर कश्ती में सुराख करता है तो क्या होता है सब डूबते हैं अगर एक शख्स दिलचस्पी नहीं ले रहा है यहां बैठकर तो उसका असर सब पे होगा आजकल मैं बुखारी का किताब इल्म पढ़ रही हूं और उसमें हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तनहो के बारे में एक हदीस आती है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह हुरर रज्लो अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बहुत से सहाब कराम के बाद शरीक हुए लेकिन बहुत सौ से आगे निकल गए बल्कि यूं कहिए कि सबसे आगे निकल गए इल्म की दुनिया में सबसे ज्यादा आप सल्हम की अहादीस उन्होंने रिवायत की है तो जब वो अहादीस बयान करते थे तो लोग उनसे कुछ जलस होते थे को रश करता था तो उस वक्त किसी ने कहा कि अक्सरा अबू हुरैरा अबू हुरैरा ने बहुत ज्यादा इल्म की खदमत की है या बहुत कसरत से रिवायत की हैं या अबू हुरैरा बहुत आगे निकल गए हैं तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ हमारे जो महाजिर भाई थे उन्हें बाजारों में खरीदो फरोख्त करनी पड़ती थी हमारे अनसार भाइयों को भी मालों ने मशगूल कर रखा था अबू हुरैरा सिर्फ एक खाने के ऊपर किफ़ायत करता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगा रहता और हर हर बात को सीखता चला जाता और ये वजह है अबू हुरैरा के ज्यादा इल्म की तो उसी की तफसीर में एक रिवायत बयान हुई जिसमें आता है कि इल्म अपना बाज हिस्सा सिर्फ उस वक्त तुम्हें देगा जब तुम अपना आप पूरे का पूरा उसको दोगे असल में अरबी में मुहावरा है लो अतिया हत्ता तो अतिया म अपना बाज हिस्सा भी उस वक्त देता है या इल्म का बाज हिस्सा आपको उस वक्त मिलता है जब आप अपना सब कुछ उसको देते हैं और सब कुछ देने में क्या आता है अपना वक्त देते हैं अपनी प्रायरिटी में उसको रखते हैं अपनी सारी सलाहियतों के साथ उसको सीखते हैं पूरे अदब आदाब के साथ उसको सीखते हैं तो फिर उसका कुछ नसीब होता है चंद लेक्चर सुन लेना या चंद मजलिसों में हाजिर हो जाना या चंद किताबें पढ़ लेना इससे कोई आलिम नहीं बनता और ना ही इससे फिर इल्म की सही खिदमत हो सकती तो जब अल्लाह ने आपको ये मौका दे ही दिया है कि आप घर छोड़ के आ गए हैं आप अपनी दूसरी मसरूफियात छोड़ के आ गए हैं कुछ लोग जॉब्स छोड़ के आए हैं कुछ और तालीम छोड़ के यहां आए हैं तो फिर इस वक्त को पूरा इस्तेमाल करें क्योंकि सही सुनने का काम भी उस वक्त हो सकता है जब आपकी निगाहें किताब पर हो अगर अरबी टेक्स्ट आप नहीं देख रहे महज लेक्चर सुने चले जा रहे हैं तो जब तक हदीस के अल्फाज पर आपकी नजर नहीं होगी अरबी पर नजर नहीं होगी हो सकता है आपके सुनने में भी गलती हो आप किसी लफ्ज को कुछ से कुछ बना रहे हैं ये वजह के बहुत से लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं उर्दू में यानी मसलन मिसाल है लफ्ज तो उसको से से लिखने की बजाय सीन से लिख रहे होते हैं तो ये याद रखिये ताल इल्म के लिए जितनी ये फजीलतें आ रही हैं ये उसी वक्त होंगी जब आप वाकई तालिब इल्म होंगे तालिब इल्म ना कि कुछ और चाहने वाले चलिए मसऊन रद्ला وسلم يقول, يقول نظر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه, فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقال حديث حسن صحيح وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نذر الله امرأ الله سمع منا شيئا

मैंने सुना मैंने आपकी जबान मुबारक से सुना हमने तो कई वास्तों से सुना ना लेकिन उन्होंने आपसे सुना फिर आखिर उनका एहतराम और अदब क्यों ना हो वो जिन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा अपने कानों से आपकी बातें सुनी आपके रोजे शब का उन्होंने मुशाहिदा किया गहरी ऑब्जर्वेशन की उस हसना को फॉलो किया उसका इतबा किया यही वो लोग हैं जिनके बारे में कहा गया खुशकिस्मत थे वो लोग समय तो रसुल्लाकुल और ये है अहले इल्म जिन्होंने आगे इल्म को रिवायत किया आगे पहुंचाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे तरोताजा रखे अल्लाह उस शख्स को नदरा तरोताज़ा रखे कुरान पाक में यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना वजू हुई इला रब्बिहा, नाजिरा कुछ चेहरे उस रोज तरोताज़ा होंगे अपने रब की तरफ देख रहे होंगे तो फिर चेहरे भी तो बोलते हैं ना चेहरों के एक्सप्रेशन होते हैं ना अच्छी चीज को देखकर पढ़ के सुन के चेहरों पर असरात आते हैं ना, चेहरा दिल का आईना होता है जो दिल में होगा खुद बहुत चेहरे पे आता जाएगा तो जितना महसूस करके कुरान सुनेंगे जितना महसूस करके हदी पाक पढ़ेंगे वो खुद बहुत चेहरों पे आने लगेगा तो आप अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे अभी चेहरों की तरोताजगी ये नेमत है अल्लाह की इस लिहाज से भी अपने आप को देखा करें कभी इसका ताल्लुक नाक नक्शे से नहीं होता शक्लो सूरत से नहीं होता गजा से नहीं होता मेकअप से नहीं होता इसका ताल्लुक दिल की कैफियत से होता है नदर अल्लाह इम्रह तरोजा रखे उस शख्स को और फिर चेहरे से पूरे जिसम और वजूद पर असर जाता है तो इमरा पूरा शख्स मुराद है इससे लेकिन किसी भी शख्स की आइडेंटिटी उसके चेहरे से है इसलिए बहुत से मुतरज़मीन और बहुत से मुफसरीन या शारहन यहाँ चेहरे का लफ्स एड करते हैं कि खसूसी तौर पर चेहरे की रौनक क्योंकि हाथों की रौनक तो नहीं पता चलती ना न पाओ की रौनक पता चलती है तो रौनक कहां से पता चलती चेहरे से ही पता चलती है तो अल्लाह उस शख्स के चेहरे को बारौनक कर दे और कितना शौक होता है सबको चेहरे की सजावट का और चेहरे के बारौनक करने का उसके लिए कैसे कैसे टोटके कैसे कैसे नुस्खे कैसे कैसे मरहलों से गुजारते हैं अपने आप को लेकिन भूल जाते हैं कि उसका ताल्लुक दिल से है ईमान से है तकवा से है कुछ कामों से है तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने खास दुआ फरमाई है कौन है वो खुशकिस्मत समन्ना शई अन समय जो सुने मिन्ना हम से शैअ कोई चीज कोई बात कोई एक बात भी शई क्या है नकरा कोई एक बात जरूरी नहीं कि बहुत सारी बातें शई अन एक बार कोई बात और फिर सुन के बुला ना दे गंवा ना अनसुनी ना कर दे बल्कि आगे पहुंचा दे फबल लगा हु फिर उसको पहुंचा दे और बल्लगा का लफ्स बाब तफील से है बल्लागो तबलीग और बाब तफील में तदरीज अहम खासा है उसका थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाना या नहीं जरूरत के मुताबिक पहुंचाना हालात के मुताबिक पहुंचाना दूसरे की लेने की कैपेसिटी के मुताबिक पहुंचाना ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। फबल लगा हो, फिर वो उसको आगे पहुंचा दे कमा समय आहू जैसा उसको सुना जिस तरह सुना ना बढ़ाए ना घटाए अब यहां पर आप देखिए कि पहुंचाने वाले की क्वालिफिकेशन क्या बताई गई क्या क्वालिफिकेशन है पहुंचाने वाले की अल्लामा दहर का खिताब पाकर नहीं उसकी क्वालिफिकेशन है दो चीजें नंबर एक उसने सुना हो सुन के सीखा हो सिर्फ पढ़ के नहीं बताया आगे किसी उस्ताद से सुना हो यहां दरअसल मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्लाम और उस शख्स का खास तौर पर मकाम बताया जा रहा जो आपसे सुना हुआ हो और फिर उसके बाद आपकी बात सुनने वाले सब इसमें आ जाते हैं और नंबर दो ये कि इतनी सलाहियत हो कि जितना सुना हो उतना ही बयान कर सकता हो भूलने वाला ना हो कम करने वाला ना हो बल्कि समझने वाला हो यानी बात उसने समझ भी ली हो क्योंकि शर्त ही है ना कमा समया हो जैसा उसको सुना था अब ये जो कमा है ना इसमें अल्फाज की तादाद भी मुराद है यानी जितने लफ्ज सुने उतने ही पहुंचाए अपनी तरफ से लफ्ज ना बढ़ाए और नंबर दो सुनने का अंदाज भी शामिल है यानी सिर्फ ये नहीं कि रटे रटाए जुमले आगे पहुंचा दे कमा आ हो जैसा उसको सुना अब हम अपने आप को देखते हैं कि क्या हमारे अंदर ये दो सलाहते हैं नंबर एक सुन के इल्म हासिल किया क्योंकि आज के दौर में बहुत से पहुंचाने वाले ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ के पहुंचा रहे हैं किसी से सुना नहीं सुन के नहीं सीखा किसी मजलिस में हाजिर नहीं हुए किसी उस्ताद के पास बैठे नहीं किताबें उठाई पढ़ लिया जैसा तैसा किसी लफ्ज को कुछ से कुछ बना दिया और फिर उसके बाद कहीं सुनाते वक्त खूब मुबालगाई की दो की चार बना दी और कहीं उतनी बात भी ना पहुंचाई जितनी पहुंचानी चाहिए थी अपनी मर्जी से उसकी एडिटिंग कर ली कांट छांट कर ली उसमें नहीं पूरी बात जितनी आई है और जैसे आई है मुकम्मल एक्यूरेसी के साथ यहां किसी डिग्री का नाम नहीं बताया गया यहां किसी उम्र का जिक्र नहीं किया गया यहां किसी मर्द और, और औरत होने का जिक्र नहीं किया गया यही वजह कि हम देखते हैं कि हदीस रिवायत करने वालों में मर्दों के साथ साथ औरतें भी शामिल हैं शर्त वही है सुना हो और नंबर दो सही पहुंचाने की सलाहियत हो आप भी अपने अंदर इन्हीं दो सलाहियतों को कि पहले सीखा हो और फिर उसके बाद जैसे सिखाया गया वैसे आगे पहुंचाने की सलाहियत भी हो और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फायदा बताया क्या फरुब मुबल अ मुबल्लिग नहीं कहा गया मुबल्ल कहा गया जो कि मफूल है तो कई एक पहुंचाए जाने वाले मुबल्लग जिसको पहुंचाया गया हो आ, आ, से व्या बर्तन को कहते हैं ना और यहां मुराद याद रखने वाला ज्यादा याद रखने वाले होते हैं मिनसाम इन सुनने वाले से भी क्योंकि अगर तुम आगे नहीं पहुंचाओगे तो क्या होगा बात समझदार लोगों तक नहीं जाएगी इससे एक और बात फिर पता चल रही है कि जरूरी नहीं कि जो शख्स सुना रहा है पहुंचा रहा है वो खुद बहुत बड़ी समझ बूझ रखने वाला हुक्म का इस्तिंताज करने वाला उससे मसायल लखस करने वाला उससे बहुत सी चीजें निकालने वाला हो ये जरूरी नहीं है लेकिन सुनाना जरूरी है क्योंकि हो सकता है जो सुनने वाला हो वो सुनाने वाले से ज्यादा समझदार हो ज्यादा गहरी नजर रखता हो ज्यादा काबिल हो और वो एक सुनी हुई बात को सीखी हुई बात को आगे कहीं ज्यादा बेहतरीन तरीके से पहुंचा दे और इस तरह दीन फैलता चला जाए आज हमारे सही दीन के ना फैलने की एक बुनियादी वजह क्या है कि जिनके पास इल्म था वो अपने पास रख के बैठ गए नहीं अभी हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं इतनी क्वालिफिकेशन नहीं अभी हमारे पास सुलह डिग्री नहीं है ये तो हर एक का काम नहीं इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगी नतीजा क्या हुआ रुकावट आ गई बैरियर आ गया बात पहुंची नहीं और उन तक नहीं पहुंची जिनके अंदर समझती इसलिए बेहद जरूरी है कि जिस तक इल्म पहुंचे अगर वो सही सुन सकता है सही बोल सकता है पहुंचा सकता है तो बस आगे कर दे गोया जो कुछ हमारे पास है इल्म में से हमारे ऊपर साथ ही लाजिम हो जाता है कि उसको हम दूसरों तक पहुंचा के अपनी जिम्मेदारी से उदा बरा हो उसे दूसरों के साथ शेयर करें तो यहाँ इस हदीस से दो अहम बातें पता चलती हैं एक तो इल्म की फजीलत कि जो शख्स सीखे सिखाये उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वम की खास दुआ है और दूसरे सीखने वालों के ऊपर अहम जिम्मेदारी आगे पहुंचाने की यानी जहां एक जिम्मेदारी सीखना है वहां दूसरी जिम्मेदारी सिखाना भी है और ये जो तरोताजगी की दुआ है ये उसी शख्स के लिए है जो सुने भी और सुनाए भी सिर्फ उसके लिए नहीं जो सुने सुने भी और सुनाए भी तो असल इल्म तो वो है ना जिस पे अमल कर लिया जाए तो आज आपने ये हदीस सुनी लिहाजा आज आप कम अज कम एक हदीस इस सारे किताब में से जो आप पढ़ चुके हैं कोई भी एक सेलेक्ट करके किसी को सुना दे किसी एक को सुना दे। ये आपका होमवर्क है ताकि आप इस फजीलत के मुस्तक हो जाए हदीस सुनानी है आयत की बात नहीं है यहाँ पर वैसे तो शही है कोई भी चीज इसमें आयत शामिल है लेकिन समय आमन्ना नस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि की तरफ है तो क़ुरआन के साथ साथ आपकी जो बातें हैं वो भी इसमें शामिल है इमाम मालिक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो खुद पढ़ के नहीं सुनाते थे, थे तालब इलमों को तालब इलमों से पढ़वाते थे और उनकी इसलाह करते थे साथ साथ बीच में बताते थे आपने यहां ये दुरुस्त नहीं पढ़ाई और लाउडली पढ़वाते थे सारा मजमा सुनता था और बाकी लोग सुन कर सीखते थे और वो उसको कन्फर्म करते थे यानी उसको वेरीफाई करते थे कि पढ़ने वाले ने सही पढ़ा और इस तरीके से क्या होता है जब सिर्फ उस्ताद बोलता चला जाता है तो उसका नुकसान क्या होता है कि पता नहीं चलता कि तालब इल्म की गलती कहाँ है तो उनका तो तरीका यही था और ये तरीका किस वजह से था किस मकसद के लिए था कि आइंदा नस्लों की जो प्रोनासीशन है उसकी हिफाजत की जाए यानी और मकासद के साथ एक खास मकसद ये भी था प्रोनासीशन तो अरबी का एक ही जैसा होगा लेकिन फर्क क्या है तरन्नुम के होने और ना होने का ठीक है क्योंकि लई समन्ना मल्लम या तगन्ना बिलकुरआन वो हमें से नहीं जो कुरआन के अंदर गना ना लाए यानी तरन्नुम से उसको ना पढ़े तो उसमें तरन्नुम का मतलब गाने का स्टाइल लाना नहीं है तरन्नुम का मतलब क्या है मद को मद के साथ कुरान की तिलावत में या किरात में खा आप लाइवली अंदाज में पढ़ रहे हो उसमें मद की वजह से स्टाइल में फर्क हो जाएगा कुरान पाक की तिलावत और हदीस की रीडिंग में तरन्नुम का फर्क है कुरान पाक की तिलावत में मखारिज की तरफ खास ध्यान देने और कवायद तजवीद को मद्देनजर रखने की जरूरत है जबकि हदीस में आम जबान का अंदाज होगा और हमारे सारे निज़ाम तालीम में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती जबकि मुस्लिम तरीका तालीम जो है जो इब्तदाई तौर पर उसकी तो इब्तदाई प्रसियन से होती है मखारिज से और हिफ्स कराना और उसकी भी बुनियादी गर्ज क्या है कि हाफसा इतना तेज हो और जो जैसा है वैसा बोला जाए ना फिर जब आप आदि हिफ्स का क्योंकि अब तो किताबें बहुत आ गई और वसाइल आ गए पहले तो ये चीजें नहीं थी पहले तो लोग सिर्फ अपने हाफसे से पढ़ा करते थे और अरबों की खास खूबी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको चुना उनका हाफसा बहुत अच्छा था किताबों के इल्म को तो वो अहमियत ही नहीं देते थे इसीलिए कुरान में सुनने और सुनाने का जिक्र बहुत है हिफ्स और दूसरा ये कि सही मखरज के साथ चीजों को अदा करना तो ये वाकई दुरुस्त है कि कमाल से मैं is, बहुत जरूरी मुझे खुद भी जब तक मैंने पीएचडी नहीं की मेरे अंदर ये चीज नहीं थी और इतना उसका पीछा मैं नहीं करती थी जब मैं पीएचडी करने के लिए गई तो जैसे हमारी यहाँ आदत है ना तीर तुक्के चला के मतलब बना लेना हुँ? तो जो मेरा सुपरवाइजर था उसके साथ जब भी मीटिंग होती जितना भी काम में कर चुकी फिर उसके साथ डिस्कशन होती थी तो वो बाजू कि ये तुमने चीज से निकाली मैं कहती कि ये फुलान जगह से कहते इसका मतलब क्या है इसका ये रूट यही है और मतलब यही बनता है वो कहते नहीं। देख। और डिक्शनरी का पूरा शेल्फ था फॉरन डिक्शनरी निकालता और कहता ये देखो क्या यही मतलब है ये तो नहीं है तुम थोड़ा सा इधर उधर गई हो मतलब डिक्शनरी यूज कर डिक्शनरी कंसल्ट करो इतना डिक्शनरी 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 उससे इतनी आदत हो गई कि पूरा सही इसीलिए वापस आके जो मैंने ये तरीका अख्तियार किया लफ्जी तर्जमा सिखाने का उसमें भी बहुत ज्यादा इस चीज की कोशिश की एज इट इज हर हर लफ्ज को उसका हक दिया जाए हु? फिर उसके बाद यह था कि जब मैं लिखती थी कोई पंक्चुएशन का ख्याल नहीं जहा जी चाह कौमा लगा दिया जहां जी चाह स्टॉप लगा दिया बिलीव मी बाजुकत वो कुर्सी से उछल के बैठ जाता था कि ये क्या गजब कर दिया तुमने यहाँ कैसे कॉमा लग सकता है या नहीं लग सकता तो मैं कहती थी एक कॉमा ही तो है है इतनी क्या फस एक कॉमा के पीछे इतना शदीद रिएक्शन लेकिन अल्लाह भला करे कि एक हमारे उस्ताद थे अब्दुल समद सारिम मास्टर्स में उन्होंने हमें पोइट्री और ये ग्रामर कराई तो वो भी ही चीजों पे तहरीर में हम तो स्वाद लिखते हैं तो आगे डंडी डालना भूल जाते हैं शीन के तीन की बजाय दो दंदाने बना देंगे कहीं जो जी में आ जैसे जी चाहे लिखे इससे क्या फर्क पड़ता है स्वाद लिखें या फे लिखे गैन लिखे या फे डाले सब चलता है लेकिन वो इतना बड़ा क्रॉस लगाते तो नंबर काट लेते थे पहला सेमेस्टर था तो उसमें हर सब्जेक्ट में मेरा ए और उनके दोनों पेपर्स में बी मुझे तो लग गम गया मैंने कहा ये कैसे हो गया मैं चलेगी उनके पास मैंने कहा आप मुझे बताइए मेरी गलती बताइए मुझे तरीका सिखाइए मेरी कहाँ कमी है तो जहां जहां उन्होंने बताया कड़वा तो बहुत लगता था लेकिन बहुत फायदा हुआ बहुत कुछ सीखा आप लोगों को इस चीज की तरफ सीरियसली सोचना है इस प्रिसीजन को लाना है एज इट इज वाली बात क्योंकि कुरान ने तो चौदह सौ साल पहले कह दिया यतलू न हो हकलावती जब ईमान मुकम्मल होगा नहीं हक अदा करते बस ठीक है फिर मुतफिन बने रहे और उनके लिए तो फिर जानते हैं कि क्या है और मैं ये देखती हूं कि ये जो बुनियादी तालीम होती है ना इसका अखलाक और किरदार पे इतना असर होता है आज हमारे माशरे में क्या होता है राही का पहाड़ बनाना एक बड़ी मामूली सी आदत है खुवान की घरों में जरा सी बात हुई उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बयान किया क्यों इसलिए कि हमें भूल जाता है कि मायल इल्ला माफिन कोई लफ्ज़ उसकी जबान से नहीं निकलता मगर एक होशियार निगरान लफ्स लफ्स लिखने को तैयार बैठा है हुँ? तो एक रवा रवी है असल बुनियादी वजह गफलत है गफलत है हर चीज चलती है धोखा फरेब फ्रॉड सब जायज है एक हर हाँ जुमरा सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए काफी ये नहीं चलता दुनिया में भी और ना आखरत में चलेगा क्योंकि इल्म तो बहुत है इम की तो कोई इंतहा ही नहीं लेकिन अगर इल्म के साथ मैनर्स नहीं है इल्म हासिल करने के जिसकी आज उम्मत को जरूरत है तो फायदा नहीं ढेर माल इकट्ठा करने का इन किताब में जितनी भी हदीसें हैं मैं देख नहीं हूं कि वन वे और दी अदर आगे पहुंचाने की बात बहुत है आगे ले जाओ फैलाओ 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 और आज आप देखें मुस्लिम उमा को किस चीज का खतरा है किस चीज का मुकाबला है इसी फैलाओ का इसी मीडिया का शर फैल रहा है फैल रहा है फैल रहा है और उसके मुकाबले में खैर बंद है बंद है बंद है वो जितना बाहर है ये उतना ही अंदर है किसकी है जिम्मेदार कौन है हम सब अपनी अपनी जगह अपनी जिम्मेदारी को देखें कितनी अदा करते हैं कितनी अमानत से पढ़ाने वाले पढ़ाने की और आगे मजीद पहुंचाने की एक। लोगों को खैर सिखाने के कौन कौन से तरीके और उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं यानी लोगों को खैर पहुंचाने या सिखाने में क्या कुछ आता है क्या सिर्फ इस कुर्सी पर बैठ के दर्स देना या मिलखई

इमिन तफाउ बिही भी, भी आता है फिर उससे अगली हदीस में अद्दुनिया मलून मलून और उसमें आप देखिये वा इसमें भी वही आता है माना और फिर इससे पीछे जो हदीस है मंदन कानू मिनरी तो यहाँ दाआ का लफ्स है कही मुआलिमी का लफ्स है कही युन तफाऊ का लफ्स है कहीं आलिमन का लफ्स है और मुताल्लिम भी उसी सूरत में कोई हो सकता है ना शागिर तो जब ही कोई बनेगा जब कोई सिखाने वाला होगा हाँ वरना मुताल्लिम बेचारा क्या करेगा अगर आलिम नहीं होगा और फिर यहाँ पर वरासत उस विरसे को हासिल करना और फिर आज यह बल्लगा हो यानी कितने लफ्स आ गए इन्हीं हदीसों में पहुंचाने के लिए कितने लफ्स आ गए हैं दा बल्लगा हम्म इंतफा फिर इससे पीछे भी आप देखे बल्ले भी वही मफहम है बल्ले में फिर हजरत अली वाली रिवायत जो है फव्लाह बिका रजन यह का लफ्स भी आ गया फिर उससे पीछे जो हदीस है तीन तरह की जमीन का जिक्र है जिसमें अम्बत घास उगाने की बात हुँ? फिर अमसकत इलमा फ नफा अल्लाह सकाऊ और जराऊ नफा सकाऊ पानी पिलाने का लफ्ज़ आ गया इसमें यानी इल्म को फैलाना जो है इस एक तरह से शराब करना है लोगों को और खेत उगाना है फिर इसी तरह यकदी बिहा व युअलिम इसमें फिर युवा का लफ्ज़ आ गया है तो इन सारी अहादीस में आप देखिए कि सिर्फ सीखने की बात नहीं और फिर आप देखिए बाप का नाम भी ताल्लुमन व तालीमन मन लला है बात यह है कि ऐसे लोगों के लिए फिर मछलियां तक दुआएं करती हैं और कायनात की हर चीज दुआ गो हो जाती है च्यूटियां भी अपने बिलों में हम्म तो इतनी खैर समेटने के लिए फिर आपको सरापा खैर बनना पड़ता है ना दूसरों के लिए लेकिन दूसरों तक खैर आप उस वक्त पहुंचाएंगे मोल अल खैर जब आप एज इट इज पहुंचाने की सलाहियत रखते हो तभी खैर है ना अगर एज इट इज नहीं कमी या बेशी है तो फिर तो बात गई और इस एतदाल पर रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है इसीलिए वो दुआ आती है ना कि अल्लाह अरे नहीं हकीकत अल अश्या अल्लाह मुझे चीजें वैसी ही दिखा जैसी वो हैं ना देखने में बवाल गार आई हो ना हद से बड़ा हुआ अंदाज हो कि चीज कुछ है और वो हम कुछ और देख रहे हैं न ज्यादा न कम इसी का नाम फिर हिकमत है इसमें आज इतना मजीद आपको सोचने का तरीका सिखा दिया है कि किस तरह अहादीत से मतलब निकालते हैं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुए क्या क्या एक्सप्रेशन आए हैं क्या क्या जरिए और मेथडोलॉजीज बताई गई है खैर पहुंचाने की उसमें तालीम भी आ गई उसमें तबलीग भी आ गई उसमें दावत भी आ गई उसमें हिदायत भी आ गई उसमें नफा पहुंचाना भी आ गया क्योंकि कुछ लोग तालीम का काम करेंगे कुछ लोग दावत का करेंगे यानी बुलाने का इकट्ठा करने का हम्म कुछ वहां ले जाके पहुंचाने का जो आए नहीं तालीम तो वो लेंगे ना जो पहुंचेंगे तो जो पहुंचे नहीं तो तबलीग करनी पड़ेगी ना उनको हम्म उन तक बात पहुंचानी पड़ेगी और फिर इसी तरह कुछ बुलाने और इकट्ठा करने के काम में फिर नफा पहुंचाने का मैदान तो बहुत ही वसी है किस किस तरीके से आप लोगों को नफा पहुंचा सकते हैं यानी खैर किस तरह आप लोगों तक ले जा सकते हैं जब किसी को कोट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स में करते हैं यहां भी अदीस आपने देखी होगी अरबी की इनवर्टेड कॉमर्स में तो ये किस बात की अलामत है एग्जैक्ट वर्ड्स की तो अब तरीके तो बता दिए गए आपको इन्हीं अहादीस की रोशनी में और फिर मकसद भी बता दिया गया फिर उसके बाद यह है कि अब इसको रिलेट करना है आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से अब मैं अगला स्टेप आपसे चाहती थोड़ा-थोड़ा सोचिए इस पर कि प्रैक्टिकल लाइफ से अमली जिंदगी में आप ये काम किस तरह करेंगे क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ी गलत फहमी है ना कि जब तक हम क्लास रूम में ना बैठे हों हम मोहल्ले में खैर के जुमरे में नहीं आते ये शायद हमारा अजर सवाब नहीं है और अगर आप रिसेप्शन पर बैठे हैं और टेलीफोन पर किसी के मसले का जवाब दे रहे हैं तो शायद वो कुछ कम दर्जे का काम है तो क्या ये बात फॉर्मल एजुकेशन देने वालों के लिए है या इसमें और लोग भी शामिल हैं लिखने वाले भी शामिल हैं और दीगर वसायल इख्तियार करने वाले भी इस पर मजीद ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है क्योंकि हम बहुत महदूद तरीके से सोचते हैं हमारी उम्मत मुस्लिमा की एक और बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी सोच बड़ी महदूद है उसमें गुस्सत नहीं है निगाह में बसीरत नहीं है तो जो निगाह की बसीरत है ये भी बेहद जरूरी है काम को आगे पहुंचाने और बढ़ाने के लिए होमवर्क क्या हुआ हदीस सुनानी है ये दोहराई तो जारी रखेंगे लाउडली हदीस पढ़ेंगे ताकि आपके बोलने में वजूह यानी क्लैरिटी हो मैं कभी गौर करती हूँ कि लोग क्यों आरोप पढ़ते हैं ना एक तो कुदरती वॉल्यूम कम होता है बाजों का लेकिन बाजों का हम क्यों करते हैं जैसे बच्चों को अगर आपने कभी पढ़ा तो कुछ बच्चे बहुत लाइट लिखते हैं हल्का 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 लिखते हैं कुछ बहुत जमा के लिखते हैं अमूमन आप देखेंगे कि, कि जिन बच्चों को स्पेलिंग्स पे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो लाइट लिखते हैं क्योंकि वो अपने आप को छुपा रहे होते हैं ना अंदर से किसी को पता ना चले तो जिसको कॉन्फिडेंस होगा ना वो जमा जमा के लिखेगा इसी तरह जितना आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप ठीक पढ़ते हैं जमा के पढ़ेंगे और अगर आपको जरा डर हुआ ना कि ठीक नहीं पढ़ते तो फिर आप लव्स खाना शुरू कर देंगे बीच में से तो इसके लिए क्या है आप घर जाके कोई भी अच्छी किरात अगर आपके पास है इन अल्फाज को पढ़ने से पहले किसी भी अच्छे कारी की जो आपके पास है उस कारी की आवाज से सुनिए नोट कीजिए किस तरह पढ़ा गया फिर उसके बाद बंद करके लाउडली पढ़िए फिर उसका तर्जमा लाउडली पढ़िए और उसके बाद यह है कि हदीस किसी को सुनाइए और मजीद थोड़ा सा गौर विकर कीजिए दीन की बात आगे पहुंचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं और उसका फायदा क्या है सुबह नम्ला السلام عليكم ورحمه الله وبركاته